कि कौमे बनी इसराइल दे विच अल्लाह जल्ला शानहू ने हुक्म इरशाद फरमाया हा कि हफ्ते वाली जिमार जेको असा छण छण सदेने हैं सैचरडे सनीचर भी सदेनन ई जिमार तुसा मच्छी दा शिकार नहीं करना पाबंदी लग गई है। कौमे बनी इसराइल सारा हफ्ता समंदर दे विच मच्छा पकड़न वास्ते जोर लावेन जाल सटन कुंडिया सटन लेकिन मच्छी हथे ना आवे। हफ्ते जी वार किनारे दे उते मच्छी इवें पई टपदी होवे कि देख देख के उन्हें दे मुंह च पानी आवे। पाबंदी है भाई हफ्ते जी वार मच्छी नहीं पकड़नी, अल्लाह दा हुक्म आ गया। लेकिन हफ्ते जी वार मच्छी किनारे दे उते खड़ी है देख के उन्हें दे हां सड़न। पूरा हफ्ता समंदर दे विच जाल सट सट थक पवन मच्छी हथे ना आवे। शैतान इंसानी सूरत दे विच उन्हें दे कोलो आके बह गए। ओ पिया दे के ए लोगो तुहाको मैं एक सलाह देवां। क्या सलाह है? समंदर दे किनारे दे उते तालाब बना गिनो, मछली फार्म बना गिनो। आसान समझण वास्ते लफ्ज दसावां मैं, मछली फार्म बना गिनो समंदर दे किनारे किनारे दे होते हैं और रस्ता बना दे समंदर दे पानी दे नाल के पानी दे नाल मच्छी डहो आंदी रह वजे। हफ्ते जी बार मच्छी किनारे ते बहुत ज्यादा होंगी है, ढेर सारी मच्छियों पानी दे नाल इन तालाबे दे अंदर ई मछली फार्म दे अंदर आवे सी। जरले देखो फार्म डटीज गए गंढा दे देवो इतवार वाली जी बार बन के जाल सटो। तुसा तो इतवार पकड़िया ना, हफ्ते तो ना पकड़िया, लिहाजा तुसा ई तरीके नाल आ करी अपना मच्छी का शिकार करो। बड़े खुश थी गए हो कि साकू तो मच्छी पकड़न का तरीका लभ है। कौम त्रै हिस्से दे विच तकसीम थी गई। कुछ लोग खड़े थी गए, वो आखन लग गए यार ये फार्म ना बनाओ, ये तालाब ना खटो, तुसा अल्लाह जल्ला शान होदी ना फरमानी करें दे पैवे। हफ्ते वाली जी वार मच्छी किनारे ते आ वेंदी है, वह मच्छी जल्ले तुहाडे तालाब दे अंदर आसी तुसा गंढा दे रहे सो पकड़ता तुसा हफ्ते की दी तुहाडे काबू है, तो हफ्ते जी वार आ गई। लिहाजा अल्लाह जल्ला शानो दे हुक्म दी थी गई ना फरमानी, अल्लाह दे अजाब को दावत ना देवो। तुसा मेहरबानी करो ए तालाब वाला काम छोड़ दो। उन्हें क्या वडे आ गए वे तुसा मौलवी, चलो भजो इतो। ठीक है सही, वो खामोश थी के एक साइड ते थी गए। दूजा ग्रुप उन्हें को आखन लगे ना लोग के यार असा समझाए ये सारी आख्या नहीं मने ने पाए, मेहरबानी करो तुसा भी नाल थी वो चलो ढेर जने जोल के जो समझे सो मन वे सन अपना सिर खा गणन। सादा क्या है या शेख अपनी अपनी वेख साकू परले नाल क्या है, वो भावें बुढ़ दे बुढ़न डे बच दे बचन डे। सादा क्या ये सादा क्या आले जड़े हैं ना सही, इन्हें को भी अल्लाह जल्ला शान होने उन्हें दे विच शामिल किते जड़े ना फरमानी करें दे पाए हैं। हुन जड़े लोग हटकें दे रह गए उन्हें जड़े वेले डिठे ना कि ये लोग साडा आख्या बिल्कुल नहीं मनन है और दूजा तबका बिल्कुल खामोश है, उन्हें रल के ऊ शहर दे विच एक दीवार खड़ी कर रही थी। दीवार दी दूजी साइड दे उते वो सारे दे सारे शिफ्ट थी गए। उन्हें कि जी ना असा इन्हें नाल कोई ताल्लुक रखे सो, ना इन्हें दे नाल कहीं किस्मी कोई रिश्तेदारी, ना आवाज कुछ ना रखे सो, ताकि अगर अल्लाह दा अजाब आवे तो अजाब विच असा ना गर्क थी वञो। ओ सारे दे सारे दीवार दी एक साइड ते थी गए जड़े रोकण वाले हैं, जेड़े आदे हैं या शेख अपनी अपनी वेख ओ भी उदही, ते जेड़े शिकार करण वाले हैं ओ भी उदही। जिवार गुजर गई है बई जिवार दीवार दी परली साइड तो कोई आवाज नहीं आई, कोई शोर शराबा कहीं दे अलावण दी आवाज, कहीं दे खिलण दी आवाज, कहीं दे रोवण दी आवाज, कोई आवाज कोई नहीं। पूरी जिवार गुजर गई है खामोशी। इंडो वाले को ताज्जुब था कि यार ये क्या थी गया, ई पासो बिल्कुल कोई आवाज कोई नहीं। सारी जिवार इंतजार की तरह मता कोई बाल तक रोप होवे कोई अलावे चा कशा किधो आवाज कह नहीं। रात गुजर गई है दूजी जिवार आ गई है वल भी कोई आवाज कोई नहीं। इन्हें मशवरा किया कि यार दीवार दो तो जाती था पाऊ देखूं तो सही कि इन्हें नाल थिया क्या है। उन्हें जेड़े वेले ऊं साइड दे उते जाती पाती है ना, वो सारे दे सारे भोलू बंदर बने बैठे हैं।
उन्हें दी कंडीशन देख करें वह दीवार त्रोड़ के इं साइड ते वल लैन हुण जिहड़े बंदर बने बैठे वह तो पछाण दे ना साडे फलाना रिश्तेदार आया खड़ा फलाना सक्का आया खड़ा लेकिन ये जरले उन्हें को दे ध्यान ये तो उन्होंने पछाण सकता है ये हैरान होवन उन्हें बंदरों को देख करें तो वह भज भज के आवेन अपने अपने सक्के दे पैर के उत्ते आढ़ावेन आबावेन इही हालत दे विच त्रै जिम्हारा अल्लाह करीम कुरान करीम में इं वाक्य को बयान करें जो इरशाद फरमाइंदा है कि मैं धुदकारे हुए बंदर बनाए उन्हें को त्रै जिम्हारा वह तड़पते रह गए भुखे रह गए प्यासे रह गए रोंदे रह गए त्रै दिन बाद सारे दे सारे मर गए उन्हें दी तादाद 70,000 तो ज्यादा दसाई वेंदी है वो सारे दे सारे अल्लाह दे अजाब दा शिकार थे के हलाक थे गए यही कौम है बनी इसराइल आओ अपने नबी दे गुलामे दी तो को गल दसावा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे उते अल्लाह जल्ला शानहु ने ए हुक्म इरशाद फरमाए ऐ महबूब अपने यारें को आख दे अपने गुलामें को आख दे कि जेड़े वेले हज या उम्रे दा एहराम बद गिनन एहराम पा गिनन उन्दे बाद इन्हें दोते शिकार हराम है शिकार ता शिकार रह गया अपनी जू तक मारन हराम है नहीं मारनी एहराम दी हालत दे विच ए पाबंदी लग गई ए इम्तहान आया ए आजमाइश आई सहाबा इकराम फरमेंदन के अगे पिछे असा शिकार दी तलाश च जंगलें दे विच निकल वेंदे हस शिकार करके ऊहा खांदे हस लेकिन जेड़े वेले एहराम बद गिनुआ सको जंगल वजन दी लोड़ नहीं होंदी शिकार साडे मूंढे ते आके बह वेंदे हन लेकिन कहीं एक सहाबी ने भी ऊ शिकार दो हाथ नहीं वधाया हाथ तो दूर रह गया अख घुमा के भी नहीं दिठा ए हन मेरे नबी सोने दे गुलाम ए हन ओ अजीम जमात जिन्हें को साहबा इकराम आख्या वेंदे और ई अजीम जमात दे सरदार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु